अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेसन के लड्डू की रेसिपी। तो रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले पैन में 8 टेबल स्पून घी शामिल करेंगे और इसे गर्म कर लेंगे। हल्का सा गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे बेसन। मैंने यहाँ पर बेसन लिया है 1 बड़ा कप, तो ये शामिल करके इसे भून लेंगे। फ्लेम को लो पर रखेंगे और इसे इतना भूनेंगे कि जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि बेसन का कलर चेंज हो गया है। इसका मतलब है कि ये भुन चुका है। हमें मज़ीद इसे भून लेना है ताकि इसमें से घी रिलीज़ हो जाए। तो यहाँ पे घी रिलीज़ हो गई है। अब इसके बाद मैं पानी शामिल करूँगी। 1/2 ग्लास तकरीबन पानी शामिल करने के बाद इसे भूनते रहना है। भूनने के बाद इस तरह से कुछ टेक्स्चर बनेगा। तो इस तरह से जब टेक्स्चर आ जाएगा तो हम फ्लेम बंद कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। रूम टेम्परेचर पर हमें इसे रखना है। तो बेसन ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर मैं पाउडर शुगर शामिल करूंगी। 6 टेबल स्पून ये मैंने शुगर लिया है। ये शामिल करने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं डालूंगी क्रश्ड एलमंड्स और पिस्ता। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके बॉल्स तैयार कर लेंगे। तो हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इतने साइज के हम लड्डू तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से बाकी भी सारे बना लेंगे। गार्निशिंग के लिए क्रश पिस्ता डाल देंगे। तो बेसन के लड्डू तैयार हैं। ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।